हेलो फ्रेंड्स, दुआ क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम कार्यपत्रक नंबर 27 पेज नंबर 40 प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 को हल करेंगे। दोस्तों, कार्यपत्रक नंबर 27 यहाँ हमें बोर्ड मास के नियम को समझ सकें। तो दोस्तों, बोर्ड मास का नियम क्या होता है, चलो हम इस पर बात करते हैं, इसको देखते हैं ये नियम क्या है। दोस्तों, बोर्ड मास यानी बी से ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट में छोटा मजला या बड़ा ब्रैकेट आता है, ओ में ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ रूट्स यानी जो घातांक वाले होते हैं, वर्गमूल या घनमूल वाले सवाल, डिवीजन डी से डिवीजन यानी भाग, एम से मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ए से एडिशन यानी जोड़, एस से सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ या घटाना। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले कोई संख्या दे रखी है तो हमें सबसे पहले यदि उसमें ब्रैकेट है तो उसको हल करना है, जैसे छोटा ब्रैकेट, फिर मजला, फिर बड़ा ब्रैकेट। यदि इसके बाद में यदि आपको घातांक वाले सवाल हैं तो उसमें हमें वर्गमूल और घनमूल वाले सवाल हल करने हैं, फिर संख्याएं हल करनी है, फिर हमें भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़ और घटाओ हमें करना होता है। इसे हम सीखते हैं इस कार्यपत्रक नंबर 27 से। दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। तो एक नंबर में है 4 प्लस ब्रैकेट में संख्याएं आ गई 3 गुणा 2, यानी हमने बोर्ड मास के नियम से सीखा कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट यदि दिया हुआ है तो उसको हल करना है। तो ब्रैकेट में जो संख्याएं हैं 3 गुणा 2, हम कैसे करेंगे दोस्तों, 4 का 4 लिखेंगे प्लस 3 को 2 से गुणा किया तो 6 आ गया, फिर इसको ब्रैकेट हटा देंगे, 4 प्लस 6 बराबर 10। इसी प्रकार 8 भाग 3, अब संख्या में ब्रैकेट में दी हुई है उसको हम सबसे पहले हल करेंगे, 3 और 5 8, फिर हम 8 भाग ब्रैकेट हटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 में 8 का भाग देंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 3 प्लस 5 गुणा 8, यानी जो 3 और 5 है इनका योग है और ये संख्या ब्रैकेट में है, तो हमें सबसे पहले इनको हल करते हैं, 3 और 5 8 गुणा 8। तो दोस्तों, यहाँ से हम ब्रैकेट हटाएंगे तो 8 लिखेंगे, फिर गुणा और 8 का 8 लिख देंगे, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 आएगा। नेक्स्ट है 10 माइनस 5 जो कि ब्रैकेट में दिया हुआ है, गुणा 7, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्याएं हल करेंगे, 10 में से 5 घटाने पर 5 गुणा 7, ब्रैकेट हटाएंगे तो 5 गुणा 7, जब इनको गुणा करेंगे तो 35 आंसर आएगा। नेक्स्ट है 23 माइनस 5 गुणा 5, यानी 23 माइनस 5 जो कि ब्रैकेट में है इनको हल करेंगे, घटाएंगे तो 18 आएगा, 18 गुणा 5, इस ब्रैकेट को हटा देंगे यानी लिखेंगे 18 गुणा 5, 18 को 5 से गुणा करेंगे तो 90। नेक्स्ट है ब्रैकेट में 3 गुणा 5, फिर ब्रैकेट बंद है, गुणा 5, ब्रैकेट वाली संख्या हल करेंगे, गुणा हो रहा है, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 15 गुणा 5 यानी 75 इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों, 2 नंबर को हल करते हैं, कोष्टक चिन्ह का सही प्रयोग या सही जगह प्रयोग करें और सही उत्तर तक पहुँचे। तो दोस्तों, हमें यहाँ संख्याएं दे रखी थी, हमें यहाँ छोटे जो ब्रैकेट है इसका हमें प्रयोग करना है, हमें यहाँ संख्या दे रखी थी 20 भाग 4 प्लस 1 बराबर 6, यानी यहाँ हम कहाँ ब्रैकेट लगाएं जिससे कि आंसर 6 आ जाए, तो हम 20 और 4 यानी 20 भाग 4 में ब्रैकेट लगाएंगे, 20 में 4 का भाग देंगे 5 और प्लस 1 यानी 6 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है 20 प्लस 12 भाग 3 माइनस 1, तो हम यहाँ 12 भाग 3 को ब्रैकेट में लिखेंगे, तो दोस्तों यहाँ 20 प्लस 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 और माइनस 1, 20 और 4 24 में से 1 घटाएंगे तो 23। नेक्स्ट है 14 प्लस 1 भाग 3, यानी 14 और 1 को 15 इनको ब्रैकेट में लिखेंगे तो 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 आएगा। नेक्स्ट है 16 प्लस 4 गुणा 2 भाग 3, यानी आंसर इसका 8 आना चाहिए, तो हम 16 प्लस 4 गुणा 2 को ब्रैकेट में लिखेंगे, देखते हैं। अब यहाँ गुणा करेंगे, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 और 16 24,
24 बन जाएगा, 24 में भाग 3 देंगे तो 8 आएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है 30 माइनस 4 भाग 2, तो हम 30 माइनस 4 को ब्रैकेट में लिखेंगे, 30 में से 4 घटाएंगे तो 26, 26 में भाग देंगे 2 का तो 13 आंसर हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट है 18 भाग 6 प्लस 3, तो दोस्तों हम 6 प्लस 3 को ब्रैकेट में लिखेंगे, 6 और 3 9, 18 में जब 9 का भाग देंगे तो 2 आएगा। नेक्स्ट है 3 नंबर, चिन्हों छोटा ब्रैकेट प्लस माइनस गुणा भाग का प्रयोग करें और सही आंसर तक पहुंचे। दोस्तों यहाँ मैं संख्या दे रखी है, 5 गुणा 4 प्लस 6 भाग 2 बराबर आंसर 25 आना चाहिए। तो हम दोस्तों इन संख्याओं को हल करेंगे। तो दोस्तों 5 गुणा 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो 4 प्लस 6 यानी 5 गुणा 4 प्लस 6 10 हो जाएगा, 10 में 2 को भाग देंगे तो 5 आएगा, फिर हम 5 को 5 से गुणा कर देंगे तो आंसर 25 आ जाएगा। मैं यहाँ 4 प्लस 6 को ही ब्रैकेट में लिखना है, यहाँ से नहीं लिखना है। नेक्स्ट है 4 गुणा 4, यहाँ खाली स्थान था, 2 गुणा 7 बराबर 30, हमें इनको इनका प्रयोग करते हुए हमें 30 आंसर निकालना है। तो हम यहाँ 4 गुणा 4 को ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 गुणा 7, 4 को 4 से गुणा किया 16, प्लस 2 गुणा 7 14, 16 और 14 यानी 30। नेक्स्ट है 30 माइनस 2 और 3, हमें यहाँ हम यदि यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे तो 2 को 3 से गुणा किया 6, 30 में से 6 घटाएंगे तो 24 हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट है 4 भाग 2, यहाँ खाली स्थान है, 8 माइनस 8, यहाँ दोस्तों आंसर हमें 1 दिया हुआ है, 1 से हल नहीं होगा। यदि हम यहाँ 2 मान लें तो दोस्तों 4 भाग 2 प्लस 8 यानी 2 प्लस 8, 2 और 8 10, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, 4 भाग 2 यानी 2, आंसर हमें 2 प्राप्त होगा। नेक्स्ट है 16 भाग 5 और 3 प्लस 1 बराबर 3, तो हमें यहाँ इनका प्रयोग करना है। तो हम यदि यहाँ प्लस का प्रयोग करें और कोष्ठक का प्रयोग करेंगे तो 5 प्लस 3 यानी 8, 8 16 में 8 का भाग देंगे तो 2 प्लस 1 यानी 3 हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट है दोस्तों 10 प्लस 2, यहाँ खाली स्थान था और यहाँ 3, इक्वल टू 16 यानी 16, तो दोस्तों में 10 प्लस 2 गुणा 3 करेंगे, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, 10 और 6 16 हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट है दी गई संख्याओं को हल करें, हमें सबसे पहले बोर्ड मास का नियम का भी प्रयोग करना है। तो यहाँ संख्या गुणा आ रही है तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, 25 और में से 4 घटा दो 21 और 8 29 आंसर में प्राप्त होगा। नेक्स्ट है 3 प्लस 8 गुणा 6 माइनस 6 यानी 8, सबसे पहले हम गुणा करेंगे इसमें, 8 को 6 से गुणा करेंगे तो 48, 48 और 3 आप पहले जोड़ भी सकते हो या फिर आप 6 घटा भी सकते हो, तो 8 को 6 से गुणा किया तो 48 और 3 51, 51 में से 6 घटा देंगे तो 45 आंसर हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार नेक्स्ट है 12 प्लस 3 गुणा 12 माइनस 2, तो हम सबसे पहले गुणा करेंगे, 12 को 3 से गुणा किया तो 36, 36 में से 2 घटा दो 34 और 12 जोड़ देंगे तो 46 हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है 20 प्लस 20 गुणा 2 माइनस 10, दोस्तों हमें यह संख्याएं दे रखी है तो हम सबसे पहले गुणा करते हैं, तो 20 प्लस 20 को 2 से गुणा किया तो 40 माइनस 10 बराबर हमें ज्ञात करना है, 20 और 40 60 माइनस 10 में ज्ञात करना है, 60 में से 10 घटाएंगे तो 50 आंसर में प्राप्त होगा। दोस्तों
इस प्रकार हम यहाँ 50 लिख देंगे। नेक्स्ट है निम्न तालिका में दी गई संख्याओं का योग करें। तो दोस्तों अब हमें यहाँ देखना है कि कौन सी संख्याएं बड़ी है, यानी जिनका चिन्ह बड़ा है, जो संख्याएं बड़ी है उसका चिन्ह ही यहाँ लगेगा। यदि प्लस वाली है तो यहाँ प्लस लगेगा, माइनस वाली संख्या तो माइनस लगेगा। माइनस आठ प्लस माइनस, माइनस आठ प्लस प्लस छः, इनका हमें योग करना है। योग करने पर हमें माइनस दो प्राप्त होगा। इसी प्रकार माइनस चौदह प्लस माइनस आठ, इनको जोड़ेंगे, दोनों संख्याएं माइनस वाली आ रही है तो यहाँ दोनों संख्याएं जोड़ देंगे तो यहाँ माइनस लिखेंगे। चौदह और आठ बाईस, यानी माइनस बाईस। यहाँ दोस्तों प्लस तेईस प्लस माइनस तेरह, प्लस तेईस और माइनस तेरह का योग करने पर हमें चौदह प्राप्त होगा, क्योंकि ये संख्या बड़ी है प्लस वाली, तो यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा, जो कि लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है माइनस पैंतीस प्लस माइनस इक्कीस, यानी माइनस पैंतीस और माइनस इक्कीस को जोड़ना है तो हमें आंसर प्राप्त होगा माइनस छप्पन। दोस्तों आज हमने कार्यपत्रक नंबर 27 जो कि पेज नंबर 40 पर था उसको हल किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कार्यपत्रक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।